अजमेर शहर में बढ़ती चोरी और लूट के वारदातों के बीच एक खुशखबरी मिली कि किशनगंज थाना पुलिस ने एसपी नितिन दीप लगन के निर्देशानुसार डकैती की योजना बना रहे 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी नितिन दीप लगन ने पत्रकारों को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एटीएम में रुपए डालने वाली कैश वैन में भरे रुपयों की डकैती की योजना बनते आरोपी राजीव कॉलोनी वैशाली नगर निवासी बाबू उर्फ अनिल सुरेश योगी, फाइसागर रोड गोटान कॉलोनी निवासी नरेश जोशी, फ्रेंड्स कॉलोनी वैशाली नगर निवासी योगेंद्र उर्फ जयेश, ए ब्लॉक पंचशील निवासी चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू, एलआईसी कॉलोनी निवासी सुरेंद्र उर्फ बबलू, कुचामन सिटी जिला नागौर निवासी शाहरुख, बांसेली पुष्कर निवासी जालम सिंह उर्फ अन्ना और खोरी पुष्कर निवासी परमानंद जाट को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवनीत शर्मा, वृत्ताधिकारी राजेश मीणा, थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक विजय सिंह आदि शामिल थे। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि एक अभियुक्त बैंक व एटीएम में रुपए डालने वाली कंपनी में काम कर चुका है। उससे कार्य प्रणाली जानकर सभी ने मिलकर कैश वैन को लूटने की तैयारी की। इसके लिए रेकी कर डकैती को अंजाम देने की योजना बना रहे थे कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने सभी को धर दबोचा। अभियुक्तों से एक देशी पिस्टल, मैजिंदा 3 कारतूस, एक एयरगन, एक धारदार चाकू, बेसबॉल के डंडे, लोहे के पाइप और मिर्च पाउडर सहित बिना नंबर की थार जीप, एक निशान माइक्रा कार बरामद की है। फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। 9 आदमियों को वहां पर गिरफ्तार किया गया। उन 9 आदमियों में जो प्रारंभिक पूछताछ उनसे की गई है, उनसे ये पता चला है कि वो कोई जो एटीएम में पैसे भरने के लिए सीएमएस की जो गाड़ी जाती है सिक्योरिटी एजेंसी की, उस गाड़ी को वो लूटने का प्लान बना रहे थे। और उनका टारगेट ये था कि जिस दिन उस गाड़ी में करीब 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपया होगा, उस दिन उसको लूटेंगे। और जब उनका उनको पकड़ा तो उनसे हमें एक पिस्टल, 3 कारतूस, एक एयरगन और साथ में सरिया और लठ उनसे चाकू, ये सारा चीज़ें उनसे बरामद हुई हैं। इसमें चांसेस हैं कि काफ़ी वारदातें हमारे ज़िले की इसमें निकलेंगी। अभी इनसे पूछताछ जारी है और जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इन्फॉर्म